प्रियंका गांधी ने काशी का दौरा किया, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, बीएचयू छात्रों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात की, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है बनारस की। बीजेपी प्रियंका से पूछ रही है क्या प्रियंका के पास कोटा जाने का वक्त नहीं है। खबर रिपोर्ट में है। प्रधानमंत्री के गढ़ वाराणसी में सियासत एक बार फिर अपने शबाब पर नजर आई। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा फिर सरकार को घेरने के लिए वाराणसी पहुंची। नाव के रास्ते चुनावी समीकरण साधते हुए प्रियंका ने वाराणसी में कदम रखा और यूपी में तीन दशकों से चले आ रहे कांग्रेस के सियासी वनवास को खत्म करने का रास्ता भी प्रियंका को वाराणसी से ही नजर आया। इस बार सियासत का बहाना सीएए और एनआरसी पर हुआ घमासान था और सहारा बीएचयू के छात्र बने। जी, मैं इन बच्चों से मिलने आई थी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो अरेस्ट किए गए थे, डिटेन किए गए थे प्रदर्शन के दौरान। वो एकदम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, 15 दिन उनको जेल में रखा गया है। एकता जी भी थी जिनकी छोटी बच्ची उनका इंतजार कर रही थी, तो उनसे मिलना चाह रही थी, सुनना चाह रही थी कि क्या क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे सारी चीजें बातें बताई कि कैसा कैसा हुआ उनके साथ और बहुत अन्याय हुआ है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। उठा के जेल में पटक दिया, 15 दिन वहाँ रखा और अलग अलग बहुत सीरियस धाराएं लगाई हैं उन पर। छात्रों के नाम पर प्रियंका ने वाराणसी से सरकार पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ बीजेपी भी वाराणसी के बहाने कांग्रेस पर हमलावर हो गई। संबित पात्रा ने प्रियंका को वाराणसी दौरे के बीच कोटा जाने का चैलेंज दे दिया। एक बार फिर राजस्थान में बच्चों की मौत को सियासी मैदान में खींचने की कोशिश की गई। मैं सवाल पूछता हूँ, कोटा कब जाएंगी? कोटा कब जाएंगी? ये जो तथाकथित लिबरल्स हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति कोटा कब जाएगा? प्रियंका गांधी जी, आई आस्क यू डायरेक्टली ऑन द कैमरा, व्हेन विल यू गो टू कोटा? आई गिव यू द कोटा चैलेंज। हम चाहते हैं कि आज आप शाम तक कोटा पहुंचे। एक मृत बच्चे को अपने गोद में, आप भी मां हैं, आप समझ पाएंगी, आप गोद में उठा के बोलें कि अशोक गहलोत मैं तुम्हारा इस्तीफा मांगती हूं, ये आप करके दिखाएं। अभी तक सेक्युलर रास्तों पर चलने का दावा करने वाली कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेती नजर आ रही है। प्रियंका मंदिरों के रास्ते वोटरों को लुभाने की जद्दोजहद में लगी है। एनआरसी और सीए के सहारे सरकार को घेरा जा रहा है और इस सबके बीच प्रियंका का चुनावी दौरा 2022 में पूर्वांचल पर कितना असर डालता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पूर्वांचल में पूरी तरीके से कांग्रेस कैसे अपनी जमीन मजबूत कर सके 2022 मिशन को लेकर, उसके लिए प्रियंका आज गंगा के तट पर रणनीति तय करती नजर आई। अपने सहयोगी महंत के साथ रजू श्रीवास्तव, आर 90 बनारस।